भारत च घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत के नाल ही कुछ नवे नियम भी लागू हो जा रहे हैं। 11 अक्टूबर तो शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी मैचों च रिटायर्ड हार्ट होने तो बाद दोबारा बल्लेबाजी करने की सुविधा नहीं मिलेगी। हुण गेंद ते थुक्कण या थुक्क लगाउण ते जुर्माना तो लगेगा ही, अते हुण जेकर अजिहा हुंदा है तां गेंद भी बदल दित्ती जाएगी। बीसीसीआई ने घरेलू सीजन लई क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है। इस वड्डा बदलाव पारी के मध्य च संन्यास लेना है। कई बार अजिहा हुंदा सी कि कोई बल्लेबाज बिना गलों या दूजियां नूं मौका देण दे लिहाज तो संन्यास लै लैंदा सी, जेकर टीम नूं उसकी जरूरत हुंदी है तां दोबारा बल्लेबाजी करन लई आ जांदा। हुण अजिहा नहीं होवेगा। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड हार्ट की सहूलत सिर्फ सट लगन की स्थिति ही मिलेगी। वैब्स एक निजी रिपोर्ट वालों नवे नियमों में यह स्पष्ट किया गया कि जेकर कोई खिडारी खेडते हुए जख्मी हो जाता है तो वह पारी के विचकार संन्यास ले सकता है और उसको दोबारा बल्लेबाजी करने की भी इजाजत होगी। जेकर बल्लेबाज सट तो इलावा किसी होर कारण पारी के विचकार संन्यास ले लैंदा है तो उसको दोबारा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिता जाएगा। यह नियम सिर्फ उस पारी च ही नहीं सगो सुपर ओवर च भी लागू होणगे। बीसीसीआई ने गेंद ते थुक लगाउण दे नियम च भी एक गल जोड़ दिती है। इस तो पहला जेकर कोई टीम गेंद ते थुक लगाउंदी सी तां उसते जुर्माना लगाया जांदा सी। हुण ना सिर्फ उसते जुर्माना लगेगा सगो गेंद भी तुरंत बदल दिती जाएगी। बाकी दुनिया च भी यही नियमां दी पालना कीती जाएगी जो ICC तय करदी।